होती थी मैं व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग मैंने शुरू किया था शाम के टाइम से। ये रात का टाइम बिल्कुल भी नहीं था और लाइट्स ऑफ मैंने इसीलिए की हुई थी क्योंकि जो मेरी दोनों बेटियाँ थी वो सो रही थी, तो मैंने लाइट ऑफ कर दी थी क्योंकि अगर लाइट ऑफ कर देती हूँ तो फिर बच्चे जो है ना वो काफ़ी टाइम तक सो जाते हैं, ज़्यादा देर तक, और इसीलिए बस मैंने लाइट ऑफ कर दी थी। तो मैंने सोचा कि मैं अभी इसी टाइम से व्लॉग शुरू कर देती हूँ। यहाँ मैं कभी कभी बच्चों को ज़बरदस्ती सुला देती हूँ, दो जो मेरी छोटी वाली बेटी है उनको, तो इसलिए मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ जिससे वो समझती है कि अभी रात है और वो सोई रहती है, क्योंकि मुझे काफ़ी काम होते हैं इसलिए। और ये दूसरे दिन की क्लिप है और मेरी बेटी जो है तो उसने मैंगो ड्राइफल बनाया था, उसने कस्टर्ड बनाया था, तो बस वो चीज़ें इसमें सारी ऐड कर रही थी और वो क्लासेस बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी थोड़ी सी वीडियो बना लूं। जब उसने कस्टर्ड बनाया था तो मैं उसके साथ खड़ी हुई थी, मैं उसको बता रही थी कि किस किस तरह से। वैसे तो कस्टर्ड बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, जल्दी से बन जाता है, आसान काम है, पर फिर भी उसमें यह होता है ना कि कस्टर्ड इतना वो थिक ना हो जाए, फिर अजीब सा ही उसका कुछ टेस्ट आता है। इसमें उसने थोड़ी सी जो मिक्स कलर वाली सिवैयाँ होती हैं छोटी वाली वो भी ऐड की थी, और कस्टर्ड था, जेली थी और ये कुछ चॉकलेट्स वगैरह थी, उसने दो तीन चीज़ें मिक्स करके उसमें से बनाया था। तो बस इस तरह से वो बनाती है, उसको शौक़ है, तो मैं उसके साथ कभी कभी तो मैं उसको बनाने नहीं देती हूँ, पर अगर कभी मेरे पास टाइम होता है या मैं फ्री होती हूँ तो मैं उसके साथ किचन में जाकर खड़ी हो जाती हूँ और फिर बस मैं उसको बताती जाती हूँ या फिर वो बना लेती है इस तरह से। तो ये भी अच्छा है, चलो मुझे कभी काम होता है तो फिर वो कभी कुछ ना कुछ बना देती है, तो मैं उसको इस तरह से कुछ चीज़ें सिखाती रहती हूँ, या फिर वो ऐसे करती है कि वो वीडियोस वगैरह भी देखती है मोबाइल पर, तो उसमें से भी देखकर चीज़ें उसको आइडिया हो जाता है। और बस शाम के टाइम पर मैं अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी और जो छोटी बिटली बेटी है तो वो सो रही थी, बस फिर मैं उस टाइम बच्चों को शाम के टाइम पर टाइम देती हूँ और मैंने उनको उनकी फेवरेट वाली मूवी लगा करती थी, तो बच्चों के साथ मैं भी देख लेती हूँ। वैसे तो आजकल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मूवीज़ के लिए, सॉन्ग्स के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम निकाल भी नहीं सकती और इतना आजकल दिल भी नहीं करता क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ छोटे बच्चे के साथ। जाहिर सी बात है न्यू बॉर्न बेबी को तो टाइम देना ही पड़ता है, और इस टाइम पर मेरी बेटी ने रोटी के कुछ टुकड़े नीचे गिरा दिए थे तो मैं वो उठा रही थी यहाँ से, इसीलिए आपको नीचे वो कारपेट दिख रहा होगा क्योंकि छोटी बच्ची है ना, मैंने इसको खाने के लिए दी थी तो उसने वो टुकड़े टुकड़े उसके नीचे गिरा दिए थे। और उसके बाद मैंने शाम के टाइम पर ली थी अपनी चाय। चाय शाम के टाइम पर मैं ज़रूर पीती हूँ और चाय मेरे बच्चे भी पीते हैं। काफ़ी सारे जो लोग हैं मुझे कहते हैं कि बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए या बच्चों को चाय की आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो मैं उनको चाय या बिस्किट वगैरह ज़रूर देती हूँ शाम के टाइम पर, बच्चे खा लेते हैं, तो इस तरह से बच्चों को अब आदत हो गई है। इतनी ज़्यादा मेरे बच्चे चाय नहीं लेते, हाफ़ कप लेते हैं सुबह के टाइम पर और हाफ़ कप लेते हैं शाम के टाइम पर। अभी अगर कभी कभी रात में बनाती हूँ, रात में मैं तो अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए डेली बनाती हूँ, पर कभी कभी बच्चे भी कहते हैं तो मैं उनको दे देती हूँ। और दिन के टाइम पर आज हमने ये चिकन की कढ़ाई बनाई थी, ये मेरी बेटी ने और मैंने दोनों साथ में मिलकर बनाई थी, और ये रोटियाँ बनाई, सिंपल सा ही लंच किया था। और कुकिंग की वीडियो आज मैंने शूट नहीं की, मैं वैसे रोज़ ही अपने ब्लॉग में कुकिंग की वीडियो ऐड करती हूँ क्योंकि आज बस थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी में थी और मैंने एक दिन पहले कपड़े भी वॉश किए थे तो मुझे वो भी इस्त्री वगैरह करने थे और ऊपर कुछ काम थे, तो बस इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से बस सिंपल से कुकिंग कर दी थी, और उतना कुछ खास बनाया नहीं था, तो बस उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी, ऊपर जा रही थी मैंने तो सोचा मैं थोड़ी सी शूट कर लूँ। पहले मैं सोच रही थी कि मैं जिस टाइम अपनी बेबी के कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे के तो मैं रोज़ ही डेली कपड़े वॉश कर देती हूँ जो थोड़े बहुत हो जाते, हमारे बड़ों के तो 5-6 दिन में या 4 दिन में मैं कर देती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं कपड़े वॉश करने के भी वीडियो है ना वो बना लूँगी, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कपड़े वॉश करते वक्त कैमरा को मोबाइल को किस तरह से हाथ में पकड़ूँ और किस तरह से वीडियो बनाऊँ, तो इसीलिए वो मुझसे वीडियो बनी ही नहीं, फिर मैंने बनाई नहीं। और मैं आपको ये प्लांट्स दिखा रही थी, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा थी ना कुछ दिन पहले कि मेरे सारे जो पौधे हैं वो जल गए थे, बिल्कुल ही वो मुरझा गए थे, तो इसलिए रूखे सूखे से बेचारे हो गए। अब कुछ मौसम सही हो रहा है तो ये भी अपने आप ही खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। और मौसम आज ऐसा था कि बादल हुए हुए थे और हवा तो नहीं चल रही थी, केयर भक्त था थोड़ा सा, पर अब ये गर्मी कुछ कम हो गई है। और ये मैं बेल दिखा रही थी आपको कि मेरे जो सारे पौधे वो बेचारे जल कर मुरझा गए हैं थोड़े से, और ये एक ही बेल है जो इतनी ग्रीन अच्छी और फ्रेश दिख रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि ये एक ही बेचारी बच्ची है जो इतनी अच्छी लग रही है।
और जो बेबी के कपड़े हैं जो मैं सुबह के टाइम पर, अपने छोटे बच्चे के कपड़े मैं सुबह के टाइम पर वॉश कर देती हूँ 12-1 बजे, उसको जिस टाइम मैं नहला देती हूँ ना मालिश वगैरह करके, तो वो सो जाती है, तो उस टाइम मैं उसके को रोज़ डेली के कपड़े वॉश कर देती हूँ। और शाम के टाइम पर आकर मैं ये उतार लेती हूँ और नीचे ले जाती हूँ। तो इतने कपड़े होते हैं माशाल्लाह से उसके बच्चों के, तो इतने कपड़े होते हैं, या कभी कभी थोड़े ज़्यादा होते हैं, कभी थोड़े कम होते हैं। और उसके बाद जब मैं ऊपर आती हूँ ना शाम के टाइम पर, तो पौधों को पानी भी देती हूँ और ऊपर सहन भी वाश करती हूँ। आज मैंने इसलिए नहीं वाश किया था क्योंकि काफ़ी बादल थे, मैं सोच रही थी इतना हो गया कहीं बारिश हो जाए, तो इसलिए बस फिर मैंने नहीं वाश किया था। और मैंने अपने हस्बैंड को कुछ कपड़े इसलिए कर दिए थे, कुछ अपने कर दिए थे, क्योंकि वैसे तो मैं ऐसा करती हूँ कि कभी कभी पूरे कपड़े एक साथ ही कर देती हूँ 4-5 दिनों के ही, पर बस कभी कभी ऐसा करती हूँ कि 2 दिन करती हूँ बस एक साथ सारा, एक इतना काम नहीं करती, 2 दिन कर लेती हूँ कपड़े। आधे कपड़े मैंने आज इसी कर लिए थे, तो आधे कपड़े में जैसे मैं कल कर दूँगी इस तरह से करती हूँ। या कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बस दिल करता है कि आज ही सारा काम कर, तो मेरे पास टाइम भी होता है और इतनी एनर्जी, इतनी ताकत होती है, समझती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। पर कभी कभी इतनी सुस्ती होती है ना, या कभी कभी आजकल तो नींद भी मेरी पूरी नहीं होती, और शाम के टाइम पर स्पेशली, क्योंकि दिन में तो काम में इतने बिजी होती हूँ कि टाइम गुजर जाता है। सुबह को मैं उठती हूँ, जिस टाइम नाश्ता वगैरह करती हूँ, उसके बाद बेबी की मालिश करती हूँ, उसको नहलाती हूँ, और मेरी जो दूसरी छोटी बेबी है तो उसको नहलाती हूँ, और उसके बाद मेरी हेल्पर आती है, उनको मैं डस्टिंग वगैरह करके देती हूँ या उनके साथ थोड़ा सा काम करवा लेती हूँ, फिर मैं लंच बनाती हूँ, उसके बाद बेबी के कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ। ये छोटे मोटे काम बस चलते रहते हैं। और शाम के टाइम पर 5 बजे के बाद तो इतनी सुस्ती होती है, इतनी लेजी हो जाती हूँ, दिल करता है कि सो जाऊँ, पर उस टाइम भी मुझे नींद नहीं आती। या फिर मैं बच्चों को सलाह देती हूँ छोटी बेटियों को, वो सो जाती है, तो मैं भी वैसे कभी कभी थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट आधा घंटा लेट जाती हूँ। तो जो रात के टाइम पर मैंने ये शेक बनाया था, मुझे ड्रिंक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो भी सीज़न का फ्रूट वगैरह होता है, तो मैं उससे कोई मिल्क शेक वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाती रहती हूँ, या कभी स्मूदी बना लेती हूँ। तो आजकल तो ऐसे कोई फ्रूट है नहीं कुछ खास, तो बस आज ये खजूर थे तो मैं इनसे ही बना रही थी, क्योंकि खजूर खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और इस तरह से तो बच्चे खाते नहीं हैं, या मेरे हस्बैंड ना उनको तो खजूर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं जार में डालकर और रूम में रख देती हूँ, मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, पर आजकल तो वो भी इतने नहीं खा रहे थे, तो बस मैंने सोचा कि मैं आज इसे इनका जो है तो शेक बना लेती हूँ। और सिंपल सा ही बनाया था, कुछ खास चीज़ें ऐड नहीं की थी मैंने इसमें, थोड़ी सी बर्फ डाली थी। और ये खजूर है ना, तो इनको मैंने पहले 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी में बॉयल कर लिया था, इससे ये होता है कि इसका जो छिलका होता है ना ऊपर का, वो आसानी से रिमूव हो जाता है, और बस इस तरह से ड्रिंक तैयार हो जाता है। बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जल्दी से ही बन जाती हैं, बस अपनी सुस्ती होती है, कभी मैं सुबह बना लेती हूँ, कभी मैं रात में बना लेती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि डेली बनाऊँ, पर आजकल तो इतना टाइम पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। या आप सोच रही हूँ कि 2-3 दिन से बच्चे भी स्कूल जाएंगे, तो शायद मुझे फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाए, क्योंकि फिर एक तरह की रूटीन बन जाएगी ना। आजकल तो ये है कि एक रूटीन सेट नहीं हो रही, बस कभी लेट उठ जाते हैं, कभी लंच लेट करते हैं, कभी डिनर लेट होता है, कभी सवेरे हो जाता है, इसी तरह से बस आजकल तो चल रहा है। और बस व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, इतना ही था आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।